आप देख रहे हैं हिंदुस्तान टीवी टुडे। खबर प्रतापगढ़ से। प्रतापगढ़ थाना कोतवाली नगर क्षेत्रांगत ग्राम रूपापुर में कार सवार अज्ञात व्यक्तियों द्वारा एक व्यक्ति को गोली मारकर हत्या कर देने के प्रकरण में भारती बनाम अज्ञात का अभियोग पंजीकृत किया गया था। उपरोक्त अभियोग की विवेचनात्मक कार्यवाही के क्रम में अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री सतपाल अंतिल द्वारा 25,000 रुपये का पुरस्कार घोषित किया गया था। आज थाना कोतवाली नगर के प्रभारी निरीक्षक श्री सत्येंद्र सिंह मै हमराहवा स्वाट टीम प्रतापगढ़ के द्वारा संयुक्त रूप से मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त से संबंधित एक अभियुक्त गौरव शर्मा पुत्र कृष्ण शर्मा उर्फ केसी शर्मा निवासी ग्राम रूपापुर थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ को गिरफ्तार किया गया। रात्रि में प्रभारी निरीक्षक श्री सत्येंद्र सिंह मै हमराहवा स्वाट टीम प्रतापगढ़ के द्वारा संयुक्त रूप से मुखबिर की सूचना पर थाना क्षेत्र के भूपी यामाऊ चौराहे के पास से एक अभियुक्त सुदीप शर्मा उर्फ सौरभ शर्मा पुत्र मानिक चंद्र शर्मा निवासी ग्राम रूपापुर थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ को एक अवैध तमंचा 32 बोर व 2 अदद जिंदा कारतूस 32 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया था व घटना में प्रयुक्त 4 पहिया वाहन बरामद किया गया था। इस वारदात को लेकर सतपाल अंतिल का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। 17 नवंबर को देर शाम को एक हत्या हुई थी जिसके संबंध में अज्ञात में थाना कोतवाली पर अभियोग पंजीकृत किया गया। घटना के अनावरण हेतु 4 टीमों का गठन किया गया था और टीमों के द्वारा अथक परिश्रम करके इसमें जो मुख्य अभियुक्त था सुदीप शर्मा उसको 21 तारीख को गिरफ्तार किया गया था और उससे जब सघनता से पूछताछ की गई तो उसके द्वारा 3 अभियुक्तों का और उसमें इनाम प्रकाश में आया जिन पर 25,000 रुपये का हर किसी पे इनाम घोषित किया गया था। इसमें एक और गिरफ्तारी हुई है जिसका नाम गौरव शर्मा है, ये रूपापुर का ही रहने वाला है और जो प्राइम एक्यूज्ड है सुदीप शर्मा उसका अच्छा मित्र है, इसको भी कोतवाली पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है और इसमें आगे विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। क्या ये पेशेवर अपराधी है? देखिए, ये आपस में मित्र थे और जो प्राइम एक्यूज्ड है सुदीप शर्मा वो उसका प्रॉपर्टी का विवाद था जिसके संबंध में उसमें हत्या हुई थी और ये आपस में बड़े अच्छे क्लोज फ्रेंड बचपन से ही रहे हैं और इन लोगों के द्वारा मिलकर वो हत्या कर दी गई। इनाम भी था इस पर 25,000 रुपए का इनाम था और 2 और अपराधी इसमें शेष हैं जिनकी गिरफ्तारी हेतु टीमें प्रयासरत हैं। ये थी प्रतापगढ़ से अवनीश कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। आप देखते रहिए हिंदुस्तान टीवी टुडे।